हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने माय फर्स्ट व्लॉग टाइटल डाला हुआ है गाइस। क्यों डाला हुआ है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा गाइस। जो भी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, जो भी मेरे अभी तक पिछले एक साल से गाइस व्लॉग कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कंटिन्यू नहीं व्लॉगिंग कर पाया मैं, जो भी मैंने 3-4 महीने 5-6 महीने जो भी मैंने कंटिन्यू व्लॉग्स किए, तो 1300-1400 जो भी सब्सक्राइबर मेरे हैं, तो उन सबसे मैं गाइस सॉरी बोलना चाहूँगा। और आप लोग मेरे से नाराज़ भी होंगे, मैं ये बात भी जानता हूँ, नाराज़गी आपकी जायज़ भी है गाइस। बट हाँ, शायद मैं कुछ चीज़ें बताऊँ तो आप शायद नाराज़ ना भी हो गए, तो वही चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करने के लिए आया। और मेरे को ऐसा लग रहा है ना, मेरा 2 महीने का गाइस 2 महीने का गैप हो गया। मैं दो महीने से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाया। आप लोग समझ सकते हैं गाइस कि 2 महीने से व्लॉग मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया इसका भी रीज़न होगा गाइस, क्योंकि लाइफ है ना गाइस, कुछ ना कुछ आपको अप डाउन्स करती रहती है। पिछले 2-3 महीने से कुछ ज़्यादा दिक्कत परेशानी में था, इसलिए मैं आज आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ गाइस। जैसे कि हर कोई बंदा होता है या हर कोई इंसान होता है अपनी लाइफ में अचीवमेंट चाहता है, अच्छे अपने गोल्स को पूरे करने के लिए सारी चीज़ें करता है। बट हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई ना जो मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ गाइस। एक्चुअली मेरे घर पे थोड़ी दिक्कत हो गई थी। घर पे क्या दिक्कत हो गई गाइस, एक्चुअली मेरे पापा को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं उनको थोड़ा गले में इन्फेक्शन था या क्या था नहीं पता गाइस, क्योंकि कुछ जैसे गले की शिकायत थी ना गाइस, तो कुछ डॉक्टर ने ट्रीटमेंट सही चलाया गलत नहीं पता, हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे थे। मेन पॉइंट मैं बताता हूँ, पापा को कुछ कैंसर की शिकायत बताई गई थी गाइस। अब आप लोग समझ सकते हैं गाइस, कैंसर की शिकायत बताई गई ना, तो हम लोग काफ़ी घबरा गए गाइस, मेरी पूरी फैमिली भी घबरा गई। तो मैंने कहा घबराने से तो काम नहीं चलने वाला, तो ट्रीटमेंट वगैरह डॉक्टर को जो भी हम लोगों ने दिखाया, तो बायोप्सी जांच भी होती है, बहुत सारे भाइयों को पता भी होगा बायोप्सी क्या होता ही है, और जिनको नहीं पता है तो मैं थोड़ा बहुत बता भी दूँ। बायोप्सी में ये होता है गाइस, जो भी आपका जहाँ पे भी आपको कैंसर की शिकायत लगती है, तो वहाँ का हल्का सा मांस का टुकड़ा हल्का निकाला जाता है। तो वही पापा का यहाँ का था ना, तो पापा के मुंह के अंदर से हल्का मांस का टुकड़ा निकला गया था, तो वो जांच होने के लिए जाता है टुकड़ा, कि उसमें क्या बीमारी है, क्या चीज़ हो सकती है, क्या इन्फेक्शन है, कौन सी बीमारी है, तो कैंसर की शिकायत बताई जा रही थी गाइस। तो उसी के लिए हम लोगों ने बायोप्सी भी करवाई, और बायोप्सी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। आई थी बायोप्सी जब जांच कराई ना, तो अभी 12-13 दिन ही हुए हैं बायोप्सी जांच करवाई गाइस। जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो वो चीज़ भी आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और अब मैं बताऊँ कि मैंने इस ब्लॉग का नाम माई फर्स्ट ब्लॉग क्यों रखा गाइस। माई फर्स्ट ब्लॉग मैंने इसलिए रखा गाइस क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाया गाइस। तो मेरे को ऐसा लगता है मेरी जर्नी अब फिर से चालू हुई है, तो इसी के लिए मैंने माय फर्स्ट ब्लॉग रखा। तो गाइस आप लोग सपोर्ट करिएगा और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करिएगा गाइस, क्योंकि आप लोग के साथ मैं सारी चीज़ें अपनी रख रहा हूँ, कि जो भी दिक्कत परेशानी हुई, कुछ दिक्कतें मेरे को भी हुई, वर्कआउट मैंने कंटिन्यू चालू कर दिया था, फिर मेरे साथ कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई। और आप लोग को जैसे पता भी है, जैसे जो लोग मेरे से शुरुआत से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ना गाइस, तो आप लोगों ने देखा होगा मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था, आँख का भी ऑपरेट हुआ था। तो यही सारी चीज़ें, मतलब लाइफ है ना, लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं गाइस। लेकिन हाँ, पापा की बात थी तो बस कुछ समझ में नहीं आया गाइस, रियली बता रहा हूँ आपको, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। तो यही सारी चीज़ हुई मेरे साथ पिछले 2-3 महीने से, हम लोग यही चीज़ को लेकर परेशान रहा। जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर आने वाले हैं, जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स है, मैं उन लोगों को अपना इंट्रो देना चाहता हूँ गाइस। बाकी तो मेरे को जितने मेरे सब्सक्राइबर है तो मे भी जानते हैं मेरे को। मेरा नाम मंगल है गाइस, मैं हरदोई से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश हरदोई में। मेरा खुद का पर्सनल जिम भी है गाइस, पर्सनल मतलब मेरा बिजनेस, कि मैं सुबह शाम जिम में ही रहता हूँ गाइस, क्योंकि मुझे फालतू की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं। ब्लॉगिंग पे आने का रीज़न ये रहा, व्लॉग बनाने का रीज़न ये रहा, क्योंकि मुझे को ब्लॉगिंग अच्छी लगती है, रियली बता रहा हूँ गाइस, मेरे को ब्लॉग बनाना अच्छा लगता है मेरे को। तो इसीलिए मैंने फिर से दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पे आया हूँ गाइस, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा गाइस। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा गाइस कि मैं कंटिन्यू व्लॉग बनाऊंगा। और हाँ, मैंने ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में मैंने यूट्यूब पे नहीं आया, बट हाँ मैं शॉर्ट्स में डेली डाल रहा था गाइस। जो मेरे 1K सब्सक्राइबर के बाद मैं व्लॉग डाल ही नहीं पाया, बट हाँ मैंने कंटिन्यूटी शॉर्ट्स में एक जरूर रखी, जिससे मेरे को सब्सक्राइबर थोड़े इंक्रीज हुए मेरे। जो भी मेरे 200-300 सब्सक्राइबर बढ़े तो मेरे शॉर्ट्स से ही बढ़े। हर बंदे का गाइस ड्रीम होता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करे, कुछ अच्छा करे, कुछ नया करे, तो मेरे साथ तो कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई गाइस, तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। मेरे को एक्चुअली में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, रियली बता रहा हूँ गाइस। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस, तो इसी के लिए मैंने टाइटल माय फर्स्ट ब्लॉग रखा गाइस। फैमिली के बारे में बताऊँ गाइस, तो मम्मी पापा और 2 भाई हम लोग, 7 बहन है गाइस, और 7 बहन में से 6 बहन की शादी हो गई, 1 मेरे से छोटी है गाइस, तो हम 2 भाई की भी शादी हो गई है। कोई भी इंसान की लाइफ में गाइस फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है गाइस। तो बस इसी के लिए मैं 2-3 महीने परेशान रहा फैमिली को लेके।
को जिम भी दिखा दूँ अपना, जो मेरे नए सब्सक्राइबर भाई है तो मैं उन लोग को जिम भी दिखा दूँ। फिलहाल आज है संडे तो मैं आ गया था टाइम निकाल के, आज मैं ट्राईपोर्ड भी लेके आया तो ट्राईपोर्ड से ही मैंने कैमरा सेट कर दिया, वरना तो ब्लॉग में हमेशा यूँ बनाता हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। ये मेरा कैबिन है और ये देख रहे हो गाइस, ये पूरी अलमारी वगैरह, इस साइड पूरा कार्डियो सेटअप लगा हुआ है। पहले LED उस साइड लगी थी तो मैंने इस साइड सेट करवा दी, कैमरे वगैरह चलते हैं। ये देखिए ये पूरा कार्डियो का सेटअप है और डंबल रैक यहाँ पे रखी हुए, जितने भी लोग का गाइस ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना तो यहाँ पे ये बोर्ड पे लगते हैं, और ये अपने हल्क भाई लगे हुए और यही गाइस अपना जिम है छोटा मोटा। यहाँ पास में गाइस मंदिर भी है ना, तो भजन चल रहे ना तो आपको बैकग्राउंड से आवाज ज्यादा भी आ रही होगी। तो गाइस मैं यही चीज आपसे कहना चाहूंगा, जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, जो भी ट्रेजडी हुई, ट्रेजडी बोलूंगा गाइस, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहा। रियली गाइस मैं इतना मेरी लाइफ में कभी परेशान नहीं रहा सर, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि आप लोग को भी पता चले कि मेरे ब्लॉग कंटिन्यू क्यों नहीं आ पाए। आई होप गाइस आप लोग को चीजें समझ भी आई होगी गाइस, तो इस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा लोगों के पास गाइस, मैं फिर से एक नई उम्मीद के साथ और आप लोगों के साथ। और आप उम्मीद है गाइस आप लोग सपोर्ट भी करेंगे, प्यार भी करेंगे गाइस, और मेरी मजबूरी को भी समझेंगे। तो ये गाइस चीज है अपने साथ जो भी चीज हुई, और बाकी ये आज का ब्लॉग, आज का वीडियो पसंद आया हो तो गाइस लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गाइस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा गाइस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके टाटा बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट बोल रहा हूँ प्रैक्टिस भी जुड़ गई है गाइस मेरी, तो ओके टाटा बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।